है भोपाल की, जहां रेलवे स्टेशन पर 7 साल का एक मासूम एस्केलेटर में फंस गया। खेलते खेलते उल्टा उतरते समय उसका हाथ फंस गया था। हाथ प्लेटफॉर्म पर उतरने के दौरान नीचे खाली जगह में फंस गया था। घटना भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे की है। सूचना लगते ही रेलवे कर्मचारी और अधिकारी बच्चे का हाथ निकालने में जुट गए थे। बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। उसका हाथ जख्मी हो गया है। बच्चे की मां निसादपुरा रेलवे अस्पताल पहुंच गई। DRM भोपाल मंडल सौरभ बंदोपाध्याय ने बताया कि करीब 7 साल का बच्चा रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ खेलते हुए एस्केलेटर पर था। जानकारी के मुताबिक बच्चा शायद उल्टा उतर रहा था। वह बाजू से सीढ़ी की साइड दीवार को हाथ से पकड़ा था। नीचे उतरने पर दीवार और एस्केलेटर के बीच में खाली जगह में उसका दायां हाथ फंस गया था। उसकी चीख सुनकर आसपास से यात्री वहां पहुंच गए थे। सूचना मिलते ही रेलवे ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे को सही सलामत निकाल लिया गया है। हाथ जख्मी होने के कारण बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है। घटना के दौरान बच्चा अकेला ही था। घटना के बाद बच्चे की पहचान विशाल अहिरवार के रूप में हुई है। रात को आसपास के लोगों से जानकारी मिलने के बाद उसकी मां प्रियंका अहिरवार भी अस्पताल पहुंच गई थी। रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी है। DRM बंदोपाध्याय ने बताया कि उनके सामने भोपाल में इस तरह का यह पहला हादसा सामने आया है। जांच की जा रही है कि बच्चे का हाथ उसमें फंसा कैसे। तकनीकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अकेला न छोड़े।